अगला भाई जो गीत में गाने जा रहा हूं देवरिया का बड़ी ही चर्चित घटना कवि जी भूमिका के अंदर भाव लिखे क्या लिखे बजर दिल पे गिराया हा निकली नहीं बेरहम मौत का किसने पैगाम भेजा इतिहास तो कुछ खफा ना किया ऐ खुदा फिर ऐसा कि अंजाम भेजा अपराधियों की गजब बेवफाई एक कुल की निशानी मिटा करके छोड़ा कलम रुक रही कुछ भी लिखने को दीना रहमना किए उन मासूमों पे थोड़ा भैया क्या दुनिया है एक परिवार का सर्वनाश हो गया एक परिवार का मुखिया चला गया जमीन जायदाद धन दौलत कुल ही रह जाई लेकिन कहां का कहानी एक लाइन गजल का भाव भाव वही गजल मास्टर राहें वफा में मुझको भी राहें वफा में मुझको भी अरे या जमा के दे आशिक हूँ तेरा मेरी जा अरे मुझको बना के दे आशिक हूँ मेरी जा लेकिन इससे छेलन कवि जी बिरहा में लिखलन देवरिया में कौन सी घटना घटी क्या हो रहा है मालिकी क्या हो रहा है मालिकी हर दिन तेरे चमन में क्या हो रहा हर ख्वाहिशों का होता हर ख्वाहिशों का होता है अंजाम अब यसनी हर ख्वाहिशों का होता है लेकिन मास्टर ये जे समरे कहानी की शुरुआत कहानी कहां का जिला देवरिया रुद्रपुर की जब की
बात सही। फतेहपुर गांव की घटना सुनो अब बात रही। वही पर प्रेम नारायण यादव का मकान रहा, जिला पंचायत सदस्य पूर्व में प्रधान रहा। साधु दुबे सत प्रकाश दोनों भाई थे, बड़े ही प्यार से दोनों करसकाई थे। यादव का भूमि बेचना खरीदना काम रहा, भले इंसान एरिया में उनका नाम रहा। अरे बाबू, देवरिया जिला में रुद्रपुर कोतवाली थाना हो, वहीं के बगल में फतेहपुर लहेड़ा गांव, वहीं के रहे वाला प्रेम नारायण यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य, उनकर महतारी रहलिन चिंता यादव पूर्व में प्रधान रहलिन, वहीं के बगल के रहे वाला सत प्रकाश दुबे और साधु दुबे दुई भाई। एक भाई पहले ही ओम प्रकाश दुबे मर चुकल हुन। लगभग दुबे परिवार के 30 बीघा का संपत्ति हो, 30 बीघा काश्तकारी रहल और साधु यादव के घर के बड़ी घनिष्ठता रहल। कवि जी के लिखे के पढ़ल ई जमीनिया काल बन गई। जौन साधु यादव रहलन, साधु यादव के लोग बतौलन कि कलनाइजर रहलन, जमीन कर प्रॉपर्टी डीलर रहलन, जमीन खरीदे बेचे अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनौले हूँ। 2010 में साधु यादव अपने मतारी चिंता यादव के प्रधान बना देने, पिताजी का नाम हर राम जी यादव। अयहर भैल का बाबूजी जब 2010 में वो प्रधान भइलन और माई उनका प्रधान भइलिन, 2015 में इतनी तमतमान कर रहल बाबूजी इहो जिला पंचायत सदस्य चुनल गेलन। आ जब चुनल गेलन तो कहाँ से चुनल गेलन, देवरिया भलुआई पश्चिम से। आ जब चुन लेल गेलन तो तर्ज लग गेल, तर्ज कौन है हमारे बीच में बिरहा के सम्राट के भैया स्वर्गीय बेचन राजभर जी नहीं है। जितना बेचन भैया के कैंसर देखेला वो जगह पर हमके आप लोगों ने वीडियो में देखेला। भगवान मृतक आत्मा के शांति दें। एक गीत के गौले रहलन, धुन कैसा रंगिया जोगिया रूना, धुन बजावला यारे रूना, धुन बजावला हो झूमत धमाता जोगिया लालन होरा। लेकिन तोहर कहानी हो जगह पहुंचल, ओम प्रकाश दुबे पहले ही खत्म हो चुकल हुआ। अयहर भैल का सत प्रकाश दुबे साधु दुबे एक में रहलन। सत प्रकाश के शादी हो गई, साधु का शादी ना भैले बदे की थोड़ी दिमाग का हल्लुक रहलन। तो कवि जी लिखलन का लिखलन, मंद बुद्धि साधु दुबे करा हल जमीनी आयरे तेरा, हल जमीनी ले हल प्रेम यादव लिखा वाई होरा। लोग बतौलन कि थोड़ी बुद्धि मंद बुद्धि कर रहलन। प्रेम यादव के पत्नी आरोप लगावत है कि सत प्रकाश के दुल्हन जहर देके मारे के रहलिन, एकरे खातिर भाग केलन हमरे के। कल हमके खियावा पियावा सारी जमीनिया 8 बीघा प्रेम नारायण यादव के लिखे देलन। आ जब लिखे देलन तो भैल का बाबूजी
रखा लहला घारावा फसाई फुसिलाई रा फसाई फुसिलाई के हो छोटा भाई गईलन भुलाई होरा ए भैया प्रेम नारायण यादव बहला फुसला के अपने घरे लोग कहल की रख ले पंडित जी साधु दुबे करे का उनकर कोयर पानी और मोट बुद्धि के रहन जितना उनके गृहस्थी के काम करें मौके पर दूध घी मलाई खा पिए लोग बतौलन की साधु कभी एक महीना यहाँ रहा था 10 महीना बम्बई बांध कहीं गुजरात वो घूमते रहे जमीन लिखाई गई जब जमीन लिखाई के 2014 में 8 बीघा के 1 मुश्त रजिस्ट्री भइल यही पे सतप्रकाश दुबे अपन मुकदमा कैलन जाके तहसील पे मुकदमा कैलन के 1 मुश्त रजिस्ट्री भइल तो ये पैसा हमारे भाई के खाते में गई कि ना भइल यही पे मुकदमा भइल कुल खेल पैसा के 1 मुश्त 8 बीघा का रजिस्ट्री दाखिल खारिज भी हो गई। उस समय समाजवादी के सरकार रहल और जिला पंचायत सदस्य खुद रहलन तो कवि जी के लिखे पड़ल तर्ज कौन मास्टर ए जमीन के बैनामा छोटा भाई साधु दुबे कह दहलन सब प्रकाश मुकदमा कर दहलन जब मुकदमा कैले बाबूजी तो भइल का तरज आ गई काचे काचे बसवा कटवला हो अरे कटवला हो मोरे आधर जुड़िया लेकिन कैले सब प्रकाश त मुकदमा हो अरे मुकदमा हो कचहरी के भीतरा का कैले अरे 2014 में याद लिखवावल सरकार रहल नाम चढ़वा वाला सत्रह में क्रेस चलावला हो अरे चलावला हो कचहरी एक भीतर सत्रह में क्रेस आज तहसील ही सबसे ज्यादा पैसा वसूल के काम होत हो तमाम सब प्रकाश दुबे जगह जगह एप्लीकेशन दे कुल करें बहुत लेकिन बाबूजी उनके एप्लीकेशन कुछ भइल ना एप्लीकेशन पर लिखाए लगल कि एप्लीकेशन देने का आदि है कोनो कर सुनवाई भइल ना अंत में बाबूजी 8 बीघा पे प्रेम नारायण यादव का नाम चढ़ गई आधार राम जी यादव उनके पिताजी के प्रेम नारायण का नाम चढ़ गई लेकिन 2017 में जब योगी सरकार बनती है कुछ आस जगा फिर इसने एप्लीकेशन देना शुरू किया लेकिन सुनवाई भइल ना तो तरज आ गेल कैसे दिलवा ले गईले राजा बोतल में भर के जहां दुबे परिवार
प्रेम नारायण यादव के चाहे जिला पंचायत के चुनाव रहल हो, चाहे प्रधानी के चुनाव रहल हो, बड़ा भरपूर मेहनत कैले रहल। आज दुबे जी में, यादव जी में, प्रेम नारायण में दुश्मनी फैल गई, तो कवि जी के लिखे के पड़ल का, अरे बढ़ गई ना रगड़ा जहर भर भर के, कोई ना देखे कोई के नजर भर के, कोई ना देखे कोई के नजर भर के, कोई ना देखे कोई के नजर भर के, आठ बिघा यादव जी पाए जमीनिया, लगल कराया पर जम के किसनिया, अरे बीत जाला दिल आसा देखा कर कर के, कोई ना देखे कोई के नजर भर के, कोई ना देखे कोई के नजर भर के, कोई ना देखे कोई के फिर मुकदमा चालू हो गई। तहसील कचहरी कोर्ट के आवा, जांच वाले पड़ताल वाले आवा, जमाना रुपया का हो गए, रुपया लेके प्रेम नारायण यादव के द्वारे से घूम जा, कोनो पर निस्तारण भइल ना। जब भइल ना तो कवि जी के भाव टेरी के अंदर लिखे के गेल, का लिखे, गुलशन में तब अन्हार हो गयल, अरे बूझल दीप दया के टूट गयल जब तारा, ए बाबू जो होनी नहीं होना चाहिए वो हो गई। कब हुई? 1 अक्टूबर को मेरा पूरा देश स्वच्छता अभियान मना रहा है, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती, पूरा देश उसमें रग जग में तैयारी कर रहा है। और 2 अक्टूबर को घटना क्या देवरिया में घट रही है, 2 अक्टूबर जन्मदिन गांधी शास्त्री का सफल रहल। अरे देश बनावे खुशियाली सब दिल की अरिमा मचल मचल, अरे सुबह फोन किसी का आया, अरे सुबह फोन किसी का आया, अरे यादव घर से चले निकला, अरे चाय हाथ में पत्नी लेके, यादव बोलो रुक दो पल, अरे यादव बोले रुक दो पल, प्रेम नारायण यादव 2 अक्टूबर पूरे देश में खुशहाली। 2 अक्टूबर के सवेरे प्रेम नारायण यादव उठलन, लैट्रिन बाथरूम कैलन, ब्रश मंजन कैलन, तब ले उनकर पत्नी हाथ में चाह ले कैलन, तब तक एक फोन आता है। फोन आया, प्रेम नारायण फोन कटलन, जेबा में कलन रुका 2 मिनट में आवत है, पत्नी कहती चाह पी लीजिए, कल की बस 2 मिनट रुका आवत हिला। बाह पत्नी समझ नहीं पाई बिचारी, जाती है अपनी चाह उठाती है, प्रेम नारायण यादव चले अपनी खेत की तरफ, जहां सत प्रकाश दुबे का मकान हो। जब वहां गए तो का भइल बाबू जी, एक गीत बा, यही गीत बा, प्रेम नारायण यादव फोन सुन करके चल दिए कहां, दुबे जी के घर के तरफ जहां उनकर खेत हो। यही गीत वा मास्टर बजाओ थो, तूने अजब रचा कर तार खिलौना माटी का, लेकिन देखिए 10 मिनट का खेल है। प्रेम नारायण यादव खेत पे जा रहे हैं, दुल्हन चाह पियत, लेकिन बारे विधि के विधान होत का हो,
क्या खबर दिए करता गजब अनहोनी का। सर धड़ से अली गाई घर मिली खबर बरिया घर मिली खबर बरिया गजब अनहोनी का। घर मिली खबर बरिया गजब अनहोनी का। घर मिली खबर बरिया गजब अनहोनी का। प्रेम नारायण यादव का 10 मिनट के अंदर घर पे किसी ने फोन किया कि प्रेम नारायण यादव की हत्या हो गई, उनकी लाश गली में फेंकी हुई है, सर कटा हुआ है। जैसे पागलों की तरह सब लोग पागल हो गए। माँ चिंता देवी चिल्लाने लगी, पत्नी चिल्लाने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे, रामजी यादव चिल्लाने लगे, पूरा गांव जो सुन लिया अस्तम्भ। 2 अक्टूबर का दिन, उस दिन पानी दिन भर पड़ा बाबूजी, पानी पड़ रहा, सारे लोग अपने अपने घर में हैं, लेकिन परिवार के लोग जब सुने तो का सुनलन, आज दुल्हन वह चाह लेके चाह गिर पड़ल छाती पीट के हाय सैया के प्रेम नारायण के दुल्हन रुअ थी। कौन तो जो मास्टर जो ही बाप माई काली बेटी नियर बियाब माई काली बेटी नियर बियाब हो बाबू कहाँ की बड़ी दूर क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति प्रेम नारायण यादव जब दुल्हन खबर के पौलिन रोथिन रो के का कहलिन चहिया न पिया पौला चहिया न पियाला सैया कवने गुनाहिया हो बैला नजरिया से दूर सैया हमार बात मान गल होता हो सकला चाह पिए में 10 मिनट ही बीत गई होता। तू का कैला हम हन के छोड़ गईला तीन गो भवानी छोड़ के एकठे सुगनावा गईला पराई छोड़ के बाब के नया नावा। अब हम कैसे सैया पार करब, तीन ठे बिटिया जवान एक ठे बचवा लेके कोनो सहारा ना हो। राम जी यादव छाती पीट के रोथन बचवा हमारी बुढ़ाई के सहारा अखिया हमार फूट गई। लेकिन कैसे बीतबा लेके पगड़ी गठरिया के कैसे बीतबा लेके भारी गठरिया के
चल गई ला कर के मजा पूरा जब लोग सुने प्रेम नारायण यादव क्लास गली में पड़ी हुई है, पीछे से सर कटा हुआ है, किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। आओ देखी न ताओ लोग समझ भी नहीं पाए, सब लोग यही कहे कि वो दुबे सत्यप्रकाश दुबे ने हत्या कर दिया। ये सोच भी नहीं पाए कि 54 वर्षीय सत्यप्रकाश दुबे, उनकी औरत पुरानी, अगर वह मारेंगे तो जो भी मारता है या तो 100 नंबर पे डाल करेगा कि वो घटना हो गई, अपने घर पे बैठ करके सोएगा नहीं। लेकिन लोग समझ नहीं पाए, जो भी घटनाएं थी गांव के लोग चल दिए सैकड़ों के तादाद में, पापड़ के अंदर लिखल गया। लिखा कैलन अरे उबल पल सब लोग क्रोध में पागल नैन निहारत बा, अपने पन के भाव जिगर में जागर नैन निहारत बा, चाहे जे जैसे रहल जौने कपड़ा में जे जौना अंडा डंडा पौले सब चढ़ गल कहाँ घरवा से इल्हेड़ा टोला बाबूजी लगभग करीब 500 मीटर दूर बस्ती हो जहाँ जमीनिया निकर हो। का कैलन अरे बूंदाबांदी होत रहल कुल सुबह के 7 का बेला हो, पहुँच गए सत सत प्रकाश घर शामिल हो के खेला हो, बदल की अग्नि सबके दिल में लागल है निहारत बात, अरे टूट गल बा गुथल प्रेम का धागन है निहारत बात। बूंदाबांदी पानी पड़त हो, सैकड़ों के तादाद में यादव बस्ती से लोग, कोई के हाथ में राइफल बंदूक, जो भी जिकरे जे हाथे लगल डंडी डंडा फरसा कुदार लेके दुबे के तरफ गाड़ी दे दुबे के घर के तरफ। बाबूजी आप वीडियो में देखबा तो दुबे के घर जहाँ जंगली टाइप हला, लगभग पूरा जंगली इलाका अकेला घर उनका रह गया हो, उनका 30 बीघा का चारों तरफ खेत, जौने में लगभग 22 बीघा इस समय प्रेम नारायण यादव का खेत हो चुका हो, और वही में उनकर खेत हो, वही बगले में लाश हो। गाँव के लोग चलना अल्लाह के अंदर लिखल गया का केहू लाठी डंडा केहू अरे भाला ले कटरिया भैया घेरा लाल जाके वो ही दूबे का दुआ भूजल नयन सतपर सब कुछ समझ ना पवल तबले पाप देहल उनके गर्दन हो ऊंचा पतनी किराना दूबे मान जीवन धनवा भैया या मलाता उठली दूनहु बहिनिया भैया
लासिया के देखना ही फूटला बेकार। कईला रहा माना ही तानी को मुदैया भैया, दूनहु बहिनियन के पपिया दहलमा। तबले दीपे से उठल छोट ललनवा भैया, तंदो देख अखिया से बहा सुधा। जन्म दिन वही दिन थी बेस गांधी का भैया। अरे बाबू, सब प्रकाश दुबे अपने दरवाजे पे सुबह की बेला में भीड़ देख करके, गाली देख करके डर के मारे जाके दरवाजा अपन बंद कर दिला। लेकिन भीड़ बाबूजी जा करके जबरी सब प्रकाश दुबे के कवाड़ी तोड़ करके सब प्रकाश दुबे के पहले मरल गर्दन कट गई। अंदरमा किरण दुबे निकली उन्हों के पापी गर्दनवा काट दिलन। भीतरा बखरिया में जो ओसरिया हो, बखरी के भीतर वाले में दोनों बहन सुतल हैं। और जब दोनों बहन आवाज सुन के निकलिन, और जब निकले थे बहरवा बाबूजी, जो ने के नाम बहनिन के बतावल गिल कि दोनों बाहर निकलत हैं। उन्होंने के का केले पापी सलोनी और नंदनी, सलोनी नंदनी बिटिया के भी गर्दन उठा देलन। जौन दीपेश लड़िकवा जौने का गांधी गांधी गांव में लोग कहा, वो दिना 2 अक्टूबर को कर जन्मदिन रहल, 7 बजे पूरे हितन नातन के बुलावल रहल जन्मदिन का पार्टी रहल। दीपेश अंदर गेल अपने घर केवाड़ी बंद करके अपने भैया के फोन कैलस। फोन करके जौन भैया बड़का जौने का ना हो, बड़ा भाई पंडित देवेश, 18 साल का देवेश पंडित जो है विद्याधन संजीवनी संस्कृत महाविद्यालय शास्त्री प्रथम वर्ष का छात्र हो, वरिष्ठ छात्र सुंदरम पंडित के साथ बलिया में गल हो पूजा करावे खातिर। अगर वो भी रहता तो उसकी भी हत्या कर दी जाती। सुंदरम फोन करता है कि भैया मम्मी पापा दीदी के पापी मार डले हो न भैया। कहना भैया पुलिस के फोन करा, और तब तक केवड़िया टूटल इतना ही कहना बाबूजी, इतना ही भाई सुन पाया तब तक आ चिल्लाया, छोटे भाई का गर्दन कट गया। 8 बरस का एक अनमोल उसे उठाकर लोग पटक दिए थे, पटक के मारे थे हंसुआ से अनमोल का, सोचे भी मर गया। लेकिन ये बाबूजी हत्या करने के बाद लोग चले जाते हैं आक्रोश मिटाने के बाद, तो कभी की लिखे के पड़ल जब पुलिस आती है, अनमोल जीवित था बाबूजी, उठा करके ले जाते हैं गोरखपुर हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं देखने के लिए। तमाम उसी दिन योगी जी उस समय संयोग से गोरखपुर में थे, तमाम आला अधिकारी डीजीपी से लेकर के एसपी से लेकर के कप्तान तमाम लोग मौके पे आ जाते हैं। 6-6 घटनाएं हो जाती है, तो कब जी की लिखे के पड़ल, का लिखे के पड़ल, का लिखल भैया, अरे 5 खून पापी करके अरे फरार भइले, अकाहे निर्दोषी भवनवा अनहार कइले। दीपेश बड़ा भाई वहां से फोन करता है अपनी बहन को, पहले सोभिनी को पता लग गया था।
कहते कि भैया घर पे मत आना, सीधे पुलिस थाने पे आना। बाबा अपने पति गिरीश चंद तिवारी के साथ थाने पे बैठे हैं, मुकदमा किया गया। 77 लोग इधर से हुए यादव पक्ष की ओर से, 5 लोग उधर से नामजद। क्या संजोग है, जो लोग मर गए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, लिखना पड़ा। आज प्रेम नारायण यादव का बुलडोजर आकर के घर तोड़ने की तैयारी चल रही है कि यह जमीन अवैध कब्जे पे बनी हुई है। जमीन एक दिन में मकान नहीं बना होगा, इसमें दोषी कौन है सिस्टम में? दोषी अगर है तहसीलदार दोषी है, नेपाल दोषी है, बाबूजी अगर वो सरकारी जमीन थी तो पहले क्यों मकान बनने दिए आप? तो कहीं ना कहीं सिस्टम का दोष है। आज न कहीं नपेगा, रेवेन्यू के लोग नपेंगे, तहसीलदार नपेंगे, कानीगो नपेंगे, कोतवाल नपेंगे। जब अभी 21 तारीख को सत प्रकाश दुबे एप्लीकेशन दिए हैं कोतवाली में कि मेरे जान के ऊपर खतरा है, तो उस एप्लीकेशन पे काम क्यों नहीं हुआ? आज योगी जी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी है। क्या है आए भैया? मनवत्ता मर गई सभी का बदनवत्ता के आगे, अरे पुण्य करा है बैठ पाप दुनिया पागे। अरे धंधा पाप के सबके सवार भैल, काहे निर्दोषी भवनवा अनहार कैल। स्वाभाविक है, कोई घटना घटती तो देखने वाले भी साथ में चले जाते हैं, करने वाले 10-5 होंगे, लेकिन आज परेशानी पूरे गांव की है। तो कहना बा, कहीं न कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। कैसे? अरे खेल कहीं कोई और करे, दूसरे का सर पयाई, सही सामने सबके जांच कर सीबीआई। रमन गुरु बचाओ, अरे का व्यवहार कैले, अरे काहे निर्दोषी भवनवा अनहार कैले। दो कमांडो पीएससी पूरे गांव छावनी बन गई है, हजारों पुलिसकर्मी घेर चुके हैं दोनों तरफ से। तो मैं कहना बस यही चाहता हूं कि जात पात नहीं होने चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कहना है योगी जी अनमोल के देखने हॉस्पिटल में पहुंचे, सख्त निर्देश दिए, अनमोल को बचना चाहिए। क्या? अरे जात पात के छोड़ के झंझट, जांच सही जब होई, शर्म करा सब कर्म पे अपने, आज हंसी कल रोई। गुलशन में तब अन्हार हो गवा, दीना छोट ललकर मानवता से प्यार। गुलशन में तब अन्हार